उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद योगी एक कदम एक्शन मोड में आ गए हैं। हर दिन कोई न कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जिससे जनता का सीधा सरोकार हो। सूत्रों का दावा है कि अगले सप्ताह योगी सरकार कई चीजें यूपी में फ्री करने वाले हैं, जिनका जिक्र उन्होंने घोषणा पत्र में किया था। इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि ये पांच चीजें भी बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि योगी एक एक कर सभी विभागों के प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता से किए गए वादों पर जल्दी अमल होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर चुनावी रैली में गरीबों को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा वादा किया था। भाजपा भले ही अपने इस वादे को होली से पहले पूरा नहीं कर सकी हो, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस वादे पर जोर दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। सरकार 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को साधारण से लेकर एसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने इसको लेकर सर्वे भी कर लिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे पर भी सरकार का ध्यान है। हालांकि सरकार ने किसानों की बिजली के रेट आधे तो कर दिए हैं, लेकिन घोषणा पत्र में ट्यूबवेल के बिल पूरी तरह माफ करने के लिए कहा गया था। पर अगर भाजपा अपने इस वादे को पूरा करती है तो यूपी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने वाला देश का छठा राज्य बन जाएगा। यही नहीं, कॉलेज छात्रों को मुफ्त स्कूटी। भाजपा के घोषणा पत्र में कॉलेज की छात्रों को मुफ्त स्कूटी के अलावा युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट लैपटॉप मुफ्त देने का वादा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।